हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वक्त मैं हूँ कुफरी में। जो हिमाचल से है उन्हें तो अच्छे से पता है कि कुफरी कहाँ है, और जो हिमाचल के बाहर से हैं उन्होंने भी कभी ना कभी तो सुना होगा कुफरी हिमाचल में शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, और ये बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है हिमाचल में। ये जो चीज़ें अभी आप देख रहे हैं ये सब वुड से बनी हुई हैं, देखने में बहुत ही प्यारी लग रही हैं। इस वक्त मैं इंदिरा टूरिस्ट पार्क के बाहर हूँ, तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी शॉप्स लगी हैं जहाँ पर इस तरह की चीज़ें रखी गई हैं जो देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। छोटा सा बेटे टूर पे लगाने के लिए खींचे, देखो ये क्या देख रहे हो बेटे, दिखाओ क्या है, ब्यूटीफुल है, और दिखाओ कुछ, वाओ अगर आप भी शिमला आने का सोच रहे हैं तो कुफरी ज़रूर आइए। अगर आप कुफरी आते हैं तो यहाँ से ये ज़रूर ये इस तरह की आइटम्स आप अपने घर लेके जाइए, आपके घर में ये चार चांद लगा देंगे, क्योंकि सबके सब डेकोरेटिव आइटम्स हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर आइटम्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। तो ये है इंदिरा टूरिस्ट पार्क। चलिए चलते हैं पार्क के अंदर। इंदिरा टूरिस्ट पार्क के साथ ही हिमालयन नेचर पार्क भी है। यहाँ पर बर्ड्स की अराउंड 180 वेराइटीज़ हैं, और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जैसे कि जैकल, फॉक्सेस एंड लेपर्ड। तो यहाँ पर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली हम हिमालयन नेचर पार्क भी जाने वाले थे, बट आज किसी वजह से बंद था तो हम जा नहीं पाए, बट हम यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कुछ एनिमल्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पर। इस वक्त दोपहर के 2 बज रहे हैं और आज पार्क थोड़ा सा खाली खाली सा है, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं। आज यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है लोगों की, अदरवाइज यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस मंथ में टूरिस्ट थोड़े से कम आते हैं, इसलिए ही शायद आज लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो हम अच्छे से यहाँ पे एंजॉय कर पा रहे हैं। पार्क में स्विंग्स भी लगे हैं, बच्चे बड़े सब झूले का मज़ा ले रहे हैं। अच्छी धूप खिली है, सुहावना मौसम है, सभी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। इस पार्क का नाम इंदिरा टूरिस्ट पार्क इसीलिए रखा गया है क्योंकि इंदिरा जी ने यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया था। शिरक कैसे लग रहा है बेटे? शिरक कैसे लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है? टच कर, हाँ ऐसे ही टच कर रहे। पैर पैर पैर। मुझे करो ना बराबर इसके बच्चों को। पैर से ऊपर करो। मेरे साथ यहाँ पर मेरी बेटी आई है, मेरे हस्बैंड हैं, और साथ में मेरी सिस्टर के भी हस्बैंड आए हैं। हेलो बोलो। हेलो। सामने है चीनी बंगला और साथ में है ललित कैफे। चीनी बंगला फेमस है इसके स्टैच्यू और आर्किटेक्चर के लिए। कैफ़े में आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स मिल जाएंगे, आइसक्रीम, डिलीशियस फूड, और साथ में बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। कुफरी विज़िट करने के लिए दिसंबर एंड जनवरी के मंथ बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर स्नोफॉल शिमला की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होता है।
गार्डन में रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा बिखरा बिखरा सा लग रहा है। बट व्यू बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। अब हम पार्क से बाहर आ गए हैं, सोचा चलो चाय या कॉफी पी लेते हैं, तो एक छोटे से हम कैफे में आ गए हैं। कुफरी में कुछ फेमस प्लेसेस है विजिट करने के लिए, जैसे हिमालय नेचर पार्क, कुफरी फन वर्ल्ड, महासू पीक, इंदिरा टूरिस्ट पार्क, नागसन्स अम्यूजमेंट पार्क, ग्रीन वैली शिमला। अगर आप कुफरी विजिट करने का सोच रहे हैं तो आप इन प्लेसेस पे ज़रूर आइए। अगर आप अपनी कार से आ रहे हैं तो आपको पार्किंग की भी समस्या नहीं आएगी, आप अपनी कार को इजीली पार्क कर सकते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पे हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, याक राइडिंग कर सकते हैं। मैंने आज के व्लॉग में आपको इंदिरा टूरिस्ट पार्क दिखाया है, तो चलिए अब देखते हैं ग्रीन वैली। ग्रीन वैली शिमला से कुफरी जाने वाले रास्ते में पड़ती है। ये जगह फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छी है और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है और होती रहती है। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।